पिछले दिन हुई फरीदकोट जिले के गांव बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। उसके लिए जिला मोगा के गांव पंजग्राई खुर्द के गुरुद्वारा साहिब में गांव के लोगों द्वारा आज मीटिंग की गई, जिसमें गांव के सैकड़ों गांववासी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 16/10/2015 को हमारे गांव के जसविंदर सिंह और रुपिंदर सिंह को पुलिस ने रात को 1:30 बजे उठा लिया था, जिसको लेकर पुलिस ने उन पर धार्मिक पुस्तक का अपमान करने का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गांव वालों ने बताया कि ये बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, इनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरा कहना यह है जी, जसविंदर सिंह ते उसका ब्रदर रुपिंदर सिंह खालसा जी, ये दोनों ही बेकसूर हैं। प्रशासन ने उन्होंने बहुत ही ज़्यादा धक्का किया, तो उन्होंने झूठे केस पाए हैं। रुपिंदर सिंह खालसा जो बचपन तो ही उन्होंने घर सिखी का सिखी प्रचार ही है, सिखी नाल ही संबंधित है, सारा परिवार सिखी नाल संबंधित है। उन्होंने इतों तक कि उन्होंने जवाई भी सिखी नाल ही है, अमृत छके हुए उन्होंने। वो तो बेकसूर है जी, साडे पिंड च कोई मुंडा नहीं इहो जिहा, कोई ना मुंडा ना बंदा ना बुढ़ी, कोई इहो जिहा है ही नहीं। किस तरह का परिवार सी ये? बहुत चंगा जी, पहला गरीबी सी, उत्थों चकते समान बेचारे उत्थे जा वड़दे सी, उत्थों समान चकते सी उत्थे जा वड़दे सी। कुड़ियां इत्थों बाहरले मुल्क चों सरपंचां दी आईआं सी, उन्हां ने व्याहियां ते हुण घर उन्हां कुड़ियां ने मदद मुत दित्ती कोई पासां सन, ते फिर घर पाया। हुण आपदी हट्टी गांव सौदा लिया लिया के मसां टाइम पास कर दिया। बंदे है ही नहीं, कोई बंदा नहीं साडे पिंड च इहो जिहा, बिया मुंडे खुंडे आ ना, कोई भी नहीं साडे पिंड च इहो जिहा। ते की लग रिहा तुहानूं जिहड़ा इहनां ते केस पाया गया? ਇਹ ਜੇ ਧਰਨੇ ਧੁਰਨੇ 'ਚ ਗਏ ਜੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਮੋਗਾ ਸੇ ਅਜਾਰ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।